हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो इसका सलूशन मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करें, नहीं तो आइए मिलकर सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, 9 पावर x + 6 पावर x इज इक्वल टू 2 × 4 पावर x। मतलब 9 पर पावर x है प्लस 6 पर पावर x है, वो किसके बराबर है, 2 × 4 पावर x के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 4 पावर x से डिवाइड करवाएंगे। तो डिवाइड 4 पावर x ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, 9 पावर x अपान 4 पावर x प्लस 6 पावर x अपान 4 पावर x इज इक्वल टू 2 × 4 पावर x अपान 4 पावर x। तो फ्रेंड्स, यहां से 4 पावर x और 4 पावर x कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9 पावर x अपान 4 पावर x प्लस 6 पावर x अपान 4 पावर x इज इक्वल टू 2 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस 9 पावर x अपान 4 पावर x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 अपान 4 होल में पावर x प्लस और 6 पावर x अपान 4 पावर x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 अपान 4 होल में पावर x इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स, 9 अपान 4 होल पावर x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 अपान 2 होल में 2 पावर x प्लस, और यहाँ से 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम और 6 पर 3 टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, 3 अपान 2 होल पावर x इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे 3 अपान 2 होल पावर x को किसी और वेरिएबल के, मतलब लेट 3 अपान 2 होल पावर x इज इक्वल टू a। मतलब 3 अपान 2 होल पावर x को हम किसके बराबर ले रहे हैं, a के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी a को रखेंगे और यहाँ पर भी a को रखेंगे। तो आइए फर्दर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी a आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स, ये जो 2 है इसको बराबर के इस साइड शिफ्ट करेंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे। तो ऐसे फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, आप देखिए a स्क्वायर प्लस 2a में कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारा a कॉमन है, तो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस 2 बचेगा। और सेम वे से माइनस a और माइनस 2 में कॉमन क्या है, माइनस 1 कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। आप देखिए a प्लस 2 यहाँ पर भी है और a प्लस 2 यहाँ पर भी है, तो एक बार और कॉमन लेंगे a प्लस 2 को और a और माइनस 1 को साथ में रखेंगे, a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, आप देखिए a प्लस 2 जो है वो भी 0 के बराबर है और a माइनस 1 जो है वो भी क्या है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी माइनस 2 मिलेगी, और यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू प्लस 1 मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देखिए 3 अपान 2 होल पावर x जो है देन क्या है, 0 है, मतलब 0 से बड़ा यहाँ से। तो ये जो हमारी वैल्यू है a इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हमारी वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 को लेंगे, तो a इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए हमने a किसके बराबर लिया था, a बराबर लिया था 3 अपान 2 होल पावर x के। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू रखेंगे, तो 3 अपान 2 होल पावर x इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स, इस 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 अपान 2 होल पावर x इज इक्वल टू 3 अपान 2 होल पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो हमें x किसके बराबर मिलेगी, x इज इक्वल टू 0 के बराबर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप देखिए हमने x की वैल्यू क्या निकाली है, x इज इक्वल टू 0 निकाली है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।